नमस्कार, आप देख रहे हैं चौथा स्तंभ डिजिटल न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंजलि। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। बिहार में अप्रशिक्षित शिक्षकों के साथ नाइंसाफी बंद हुआ। आज बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ के मधुबनी जिला अध्यक्ष संजीव कुमार कामत के नेतृत्व में सैकड़ों प्रारंभिक शिक्षकों ने 11 सूत्री मांगों के समर्थन में जोरदार नारेबाजी करते हुए समाहरणालय के समक्ष आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन किया। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष संजीव कुमार कामत ने कहा कि सरकार अप्रशिक्षित शिक्षकों एवं NIOS प्रशिक्षित शिक्षकों के साथ नाइंसाफी कर रही है। उन्होंने NIOS प्रशिक्षित शिक्षकों के वेतन कटौती पर रोक लगाने तथा अप्रशिक्षित शिक्षकों को सेवा से हटाने की कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग की। मांगे पूरी न होने पर 15 मार्च को पटना में बिहार विधानसभा के बजट सत्र का घेराव करेंगे। प्रधान सचिव अवधेश कुमार झा ने कहा कि DEO के निलंबन के कारण जिले के शिक्षकों के वेतन भुगतान एवं विभागीय कार्य प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने अविलंब पूर्णकालिक DEO एवं DPO को पद स्थापित करने की मांग की। कोषाध्यक्ष सुरेंद्र प्रसाद यादव, जिला उपाध्यक्ष लीलाधर पासवान एवं प्रवक्ता राकेश कुमार चौधरी ने जिले के शेष 15 प्रखंडों के सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना 2011 के नियुक्त प्रगणकों के बकाया मानदेय का भुगतान करने हेतु आवंटन जारी करने का मामला उठाया। 10 वर्षों से भी अधिक समय बीत जाने के बावजूद अब तक भुगतान नहीं होने पर चिंता व्यक्त की। जिला सचिव बबीता चौरसिया एवं प्रेमचंद प्रसाद ने प्रशिक्षित शिक्षकों के मामले में इंडेक्स 3 की बाध्यता को समाप्त करने तथा सेवा पूर्व प्रशिक्षित शिक्षकों एवं दक्षता जांच परीक्षा संबंधी वेतन विसंगति को दूर करने की मांग की। उपाध्यक्ष सुरेश कुमार यादव एवं ललन ठाकुर ने शिक्षा एवं शिक्षक हित में समान काम समान वेतन एवं पुरानी पेंशन लागू योजना लागू करने की मांग की। उपाध्यक्ष सुरेंद्र कुमार यादव एवं प्रभास चौधरी ने नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा देने की मांग रखी। इस अवसर पर शिक्षकों की सभा को सुनील कुमार पासवान, प्रभात रंजन सिंह गुड्डू, हृदय कुमार, डॉक्टर सुरेंद्र कुमार सिंह, सुक्रत सिंह, संजय राम, जितेंद्र किशोर, अमरेश कुमार यादव, धीरेंद्र कुमार, कपिल देव यादव, कामोद साफी, विपिन राम, शमीम अहमद, दुर्गेश झा, रणधीर कुमार सिंह, चंद्रकला देवी, मोहम्मद अशरफ अली, शांति कुमारी, सुषमा कुमारी, शारदा कुमारी, रेखा देवी, कुदेशी नरगिस, गुलाब कुमारी, मनोहर यादव, सीताराम, विक्की कुमार, राजीव रंजन, राजकुमार मंडल, मनोज कुमार यादव, शत्रुघ्न राम, कृष्ण कुमार सिंह, संजय कुमार, बालकृष्ण यादव, बिलाल अहमद, अबू मोहम्मद, अश्विन कुमार, अनिल पासवान, उमेश कुमार, सुशील कुमार, संतोष राम, अमरेंद्र कुमार दास, नीलम भारती, सहनाज बेगम, गुंजन कुमारी ने भी संबोधित किया। मधुबनी से धर्मेंद्र यादव की रिपोर्ट। बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ के राज्यव्यापी आह्वान पर आज राज्य के 38 जिला मुख्यालयों पर आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन किया जा रहा है। हमारी मुख्य मांगे हैं कि राज्य में अप्रशिक्षित शिक्षकों को बिना उनके तथ्यों को जानकारी में लिए बिहार सरकार सेवा से मुक्त कर रही है। हमारी मांग है कि सेवा मुक्ति की कार्रवाई पर अविलंब रोक लगे तथा सारे अप्रशिक्षित शिक्षकों को बिहार सरकार खुद तय किया है, नियमावली में उल्लेखित है, तो इस नियमावली के अनुसार सारे अप्रशिक्षित शिक्षकों को प्रशिक्षण दिलाने की व्यवस्था करें। साथ ही जो अप्रशिक्षित शिक्षक विगत समय में अनुत्तीर्ण हो चुके हैं उनके लिए ये पूरक परीक्षा आयोजित किया जाए। साथ ही साथ मधुबनी में लंबे समय से DEO एवं DPO कार्यरत नहीं है, जिसके कारण वेतन भुगतान, एरियर का भुगतान सहित शिक्षा से संबंधित विभिन्न लोक कल्याणकारी योजनाएं प्रभावित हो रही है। इस जिले में अविलंब DEO और DPO की पदस्थापना होनी चाहिए। हमारी मांग है कि बिहार सरकार अब न केवल अप्रशिक्षित शिक्षक को बल्कि NOS अनुत्तीर्ण शिक्षकों को भी NOS प्रशिक्षित शिक्षकों को भी प्रताड़ित कर रही है। अविलंब सरकार उस पर रोक लगाए और उनके वेतन कटौती का जो आदेश है वो वापस ले। साथ ही वेतन निर्धारण में इंडेक्स 3 की बाध्यता को समाप्त करे और हमारी चिर परिचित मांगे हैं कि समान काम समान वेतन लागू हो। अपना परिचय बताइए। संजीव कुमार कामत, जिला अध्यक्ष मधुबनी, बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए चौथा स्तंभ डिजिटल न्यूज। मधुबनी जिले सहित आसपास की खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। हम आप तक हर छोटी बड़ी खबरों को पहुंचाते रहेंगे। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। Facebook पर चौथा स्तंभ डिजिटल पेज को फॉलो करें।
खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए हमारे न्यूज वेबसाइट www.4thastambhdigital.com पर जाएं।